చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఎన్డీఏ కూటమి మీటింగ్ ముగిసిన తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు లైవ్ లో మాట్లాడుతున్నారు, ఒక్కసారి చూద్దాం వారు ఏం మాట్లాడతారో, ఇంకా ఏ చెణుకులు వస్తాయనేది. పీసీఆర్ లైవ్ ప్లీజ్. भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं. साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है. ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है. ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है. कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं. इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है. एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है. एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है. हमारे जो समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं. हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है. मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है. इसलिए आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, तब एनडीए सबका प्रयास की इस भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है. साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए. कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया. कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी. इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था. लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था. एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था. एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था. और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं,
देश की दिशा बदलने वाले होते। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और न ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे हैं। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठा पटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी, बहाना ये कि गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है।
एनडीए कोएलिशन कंपल्शंस का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल है। एनडीए में जितने भी दल है वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल है वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है।